सो गाइस, जैसे कि आज आपने टॉपिक देख ही लिया होगा मेरा थंबनेल में, मैंने स्पेशली थंबनेल में लिखा है हाउ टू गेट द कॉमीज जॉब. और इट्स नॉट ओनली कॉमीज, कॉमीज के अलावा डेमी शेफ, शेफ द पार्टी एंड सर्विस, फ्रंट ऑफिस एंड हाउसकीपिंग. हॉस्पिटैलिटीज में जितने भी हमारे बंदे हैं उनको इजीली कैसे जॉब मिल सकती है, ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सबके लिए इक्वली वैल्यूबल होंगे. एंड आपका जो फ्रेशर हैं उनका सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं. अभी जो हमारे फ्रेशर बंदे हैं जो भी कॉमर्स लेवल में जॉब कर रहे हैं इंडिया में, या फिर होटल मैनेजमेंट अभी स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट करने वाले हैं और उनका फिनिश होने वाला है, तो उनके पास एक आइडिया रहेगा कि कॉलेज जो रिप्लेस कर रहा है उसके अलावा उनके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं फूड इंडस्ट्री में जॉब के लिए, हॉस्पिटैलिटी में जॉब के लिए उनके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. सो गाइस, पहला चीज़, वीडियो को पूरा देखो आप. अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट अंडरस्टैंड. फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोई भी कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट करो. फ्री ऑफ कॉस्ट, इजी, बस इसमें आपको थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा. इतना तो टाइम आप अपने आप को दे ही सकते हो, एक घंटा डेढ़ घंटा तो अपना आपको टाइम आप दे सकते हो. बहुत सारे लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन से आते हैं, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन उनके लिए ज़्यादा बेटर है जिनके पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड है प्लस अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए ऑनलाइन इजिली वर्ल्ड वाइड वो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नाउ वर्ल्ड वाइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एलिजिबल हैं बट बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया, देन योर कैनाडा, ब्रिटेन, ये सब जगह पे गाइज क्या होता है, थोड़ा वीज़ा का इश्यू होता है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में इतने चांसेस नहीं रहेंगे लाइक यूएसए. बट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में यूएई के अंदर लाइक और गल्फ कंट्रीज आई विल से सऊदी अरेबिया हो गया. सऊदी अरेबिया अभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइज, मैं आपको क्लियरली बता दूँ. पहले जो सऊदी अरब के बारे में आपने ह्यूमर सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, ये है वो है, यस है, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं. और मैंने खुद सऊदी अरब में काम किया है अराउंड 2 साल, रिट्ज़ कार्ल्टन करके एक होटल है उसमें. तो आप लोगों को अगर सऊदी अरब में जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है, अगर होटल्स में अच्छे ब्रांड में मिल रहा है, यू शुड थिंक अबाउट इट. उसके बाद आपके पास ओमान में ऑप्शन है, आपके पास कुवैत में ऑप्शन है, दुबई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बहरीन बेस्ट ऑप्शन है, दोहा कतार बेस्ट ऑप्शन है. तो इन जगहों पे आप डेफिनेटली, इतने सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आ चुकी है, स्पेशली मैं दुबई और दोहा की बात करूँ तो यहाँ पे दुबई में तो एक्सपो चल रहा है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. दोहा में काफ़ी ज़्यादा नई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, काफ़ी नए होटल्स खुल रहे हैं, दोहा का पूरा मैप चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए डेफिनेटली है. तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस द फर्स्ट प्रायोरिटी. सेकंड जो आपने करना है, आपका सीवी अपडेटेड होना चाहिए पहला चीज़, और सीवी में आपका रिसेंट जॉब पोजीशन क्या है वो डालना बहुत ज़रूरी है, और आपने कब से कब तक किया. सीवी का ये फॉर्मेट आप डेफिनेटली डाउनलोड कर लीजिए. वर्क ड्यूरेशन ऑफ वर्क सीवी में आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपका सीवी रेडी होना चाहिए प्रॉपर वे में. तो अगर आपका सीवी डेफिनेटली अगर अच्छे से रेडी है, अगर आपका सीवी रेडी टू गो है, तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास रेफरेंस. आपके कोई शेफ है यहाँ वहाँ, ये कंट्री में वो कंट्री में, आप उनके रेफरेंस से डेफिनेटली उनसे थोड़ा हेल्प लेके, या फिर वो किसी को जानते हैं तो उस रेफरेंस से आप वहाँ जॉब के लिए आपके पास चांसेस बन सकते हैं. रेफरेंस एक बहुत बड़ा फैक्ट है गाइज, रेफरेंस से जॉब मिलती है इंडस्ट्री में, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ. बहुत जॉब्स मिलती है, अगर आप अच्छे रेफरेंस हैं आपके तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा. अब आप बोलोगे मेरे तो कोई, अब आप यही सोचोगे कि भाई रेफरेंस तो मेरे पास है नहीं तो मैं अभी किसको भेजूँ. तो गाइस, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन. आप अपना, जैसे मैंने बोला, आप अपना सीवी अच्छे से बना लो, उसके बाद लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ. बहुत ईजी है लिंक्डइन क्रिएट करना, उसमें प्रोफाइल क्रिएट करना. ये देखो गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, और आप जो अभी जॉब भी कर रहे हैं, इवन दो दुबई और गल्फ कंट्रीज़ में अभी जॉब भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इम्प्लीमेंट वो कर सकते हैं अपने आप को.
तो आप लिंक्डइन में सबसे पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, फॉलो करो जो पॉपुलर शेफ्स हैं, ठीक है। आप लिंक्डइन में पूरा फैसिलिटीज है, ये होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ़ कौन है, ये होटल का सू शेफ़ कौन है, तो आप ऐसा करके फॉलो करो शेफ्स को। एंड कभी कभी तो शेफ़ लोग खुद ही वैकेंसीज डाल देते हैं लिंक्डइन पे, एंड देन यू हैव अ चांस देयर। लिंक्डइन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं मुझे लगता है कि लिंक्डइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जॉब से रिलेटेड। बट लिंक्डइन में एक चीज़ और है गाइस, काफ़ी फेक वैकेंसीज भी आती है, बहुत सारे फेक लोग बैठे हुए हैं जो लिंक्डइन पे फालतू का वैकेंसीज डालते हैं फॉलो करने के लिए, लाइक्स करवाने के लिए। ये है, काफ़ी पुरानी वैकेंसीज भी होती है, तो आपको यू जस्ट कीप फॉलोइंग, नो। तो जो जैसे जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है, एग्जीक्यूटिव सू शेफ़ है, अगर आपको पता है ये होटल का एग्जीक्यूटिव है, ये होटल का एग्जीक्यूटिव सू शेफ़ है, तो ऑब्वियसली शेफ़ लोग कभी फेक वैकेंसी नहीं डालेंगे। अगर आपको लगता है ये होटल का मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, रेस्टोरेंट मैनेजर है, स्पेशली F&B बैकग्राउंड के लिए, तो वो लोग डेफिनेटली फेक वैकेंसीज नहीं डालेंगे। बट बहुत सारे फेक रिक्रूटर हैं, रियली आई हेट देम, बट लिंक्डइन पे बहुत हैं गाइस। आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहते हो तो मुझे भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी काफ़ी शेफ्स हैं जो कि बड़े बड़े पोजिशंस में, तो मेरे थ्रू आप उनको डेफिनेटली लिंक भेज सकते हैं, है ना, मतलब कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपने मेरा रेफरेंस दे दिया, बिकॉज बहुत सारे लोग उसमें से मुझे नहीं जानते डेफिनेटली। तो ये है गाइस, इससे भी आपको बहुत जॉब मिलेगी, और प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को इससे जॉब मिली है एब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया में बहुत लोगों को इससे जॉब मिली है, बहुत सारे लोगों का लाइफ इससे सेट हुआ है। तो दो चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वेबसाइट में किसी भी होटल का वेबसाइट आपको ऑब्वियसली होटल के साइट्स में सर्च करके मिल जाएगा गूगल पे। फॉर एग्जांपल मैरिट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टाइप करोगे www.marriott.com/career, ओके, तो आपको उसमें सारी वैकेंसीज दिख जाएंगी, और वो 100% ट्रू वैकेंसीज होती है, ओके गाइस। वैसे ही हयात, ताज, ओबरॉय, हर होटल्स का अपना अपना एक वेबसाइट होता है, आई मीन दुनिया में बहुत सारे ब्रांड, ये चीज़ है। तो दो चीज़ें आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है गाइस। और अपना CV स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, CV स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं आपने बड़ी बड़ी चीज़ें CV में लिख ली है, CV स्ट्रॉन्ग बनता है आपके एक्सपीरियंस से। पता चल रहा है आपने कहीं पे 5 महीने काम किया, कहीं पे 6 महीने काम किया, कहीं पे 2 महीने काम किया, तो वो मैं एक स्ट्रॉन्ग CV कंसिडर नहीं करूँगा उसको, ओके। आप कहीं पे काम कर रहे हो तो एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो तो 1 साल का तो अपना टारगेट रखें आप वहाँ पर, ओके। अनटिल एंड अनलेस अगर आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ कहीं पर मिल रहा है तो देन दैट इज़ द डिफरेंट मैटर, बट किसी भी 5-स्टार प्रॉपर्टी में या किसी भी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप 1 साल का एक्सपीरियंस लें तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, प्लस आपका CV स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ें हैं, CV में अपना स्किल जरूर डालें, आप कौन कौन सा लैंग्वेज बोल सकते हैं फ्लुएंट, ठीक है, ये आप CV में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अचीवमेंट आपको एक CV में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपना अचीवमेंट भी डाल सकते हैं, आपको क्या क्या अचीवमेंट किया है अभी तक आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहे हो, या बेस्ट परफॉर्मर रहे हो होटल में, वो भी आपको एक पुश देगा, प्लस आपका एजुकेशन, प्लस आपका एक्सपीरियंस। सो मैंने जो आज आपको चीज़ें बता रहा हूँ गाइस, ये उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी एजुकेटेड हैं और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा जगह पे काम कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए भी हैं जिनके पास होटल मैनेजमेंट नहीं है बट उनके पास अच्छा एजुकेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने 12th पास किया या फिर डिग्री है एंड देन वो होटल इंडस्ट्री में आए हैं, तो उनके लिए भी ये डेफिनेटली कैपेबल हैं, वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर उनके पास एक्सपीरियंस है अच्छे उसका, तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेफिनेटली सुबह और या तो शाम को, दिन में एक बार लिंक्डइन जरूर चेक करें, क्या क्या अपडेट्स हैं, कहाँ कहाँ पे होटल्स आ रहे हैं, होटल्स के बारे में नॉलेज रखें गाइस, 4 सीज़न किस क्या है, मैरियट क्या है, हयात क्या है, हाँ हिल्टन क्या है, इन होटल्स के बारे में आपको डेफिनेटली नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छी प्रॉपर्टी को टारगेट करेंगे, है ना। अपना एक ओन गोल बना दो कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस प्रॉपर्टी, ओके, आपको तुरंत नहीं मिलेगा लेकिन साइड बाय साइड आप जॉब करें, बट कीप ट्राइंग इन दैट प्रॉपर्टीज, सो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा इन जगहों पे। सो ये था गाइज, आई होप कि आपको ये क्लू मेरा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए आप डेफिनेटली कमेंट ब्लो कमेंट करो कि शेफ़ हमको ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जो आपको मोस्ट कंफ्यूज, आप किसी भी टॉपिक में आपका कंफ्यूज हो
इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा, आप कमेंट करो, मैं उसके हिसाब से वीडियो आपको डेफिनेटली बनाऊँगा। कि अगर आपको सैलरी के बारे में जानना है, मैंने ऑलरेडी सैलरी सारे शेफ्स लोगों का सैलरी कितना होता है मैंने रैंडमली आई थिंक वीडियो मैंने डाला है एक आध वीडियो, फिर भी आपको अगर नया वीडियो चाहिए इसके ऊपर तो कमेंट करो, या फिर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सा सेक्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा इसके ऊपर अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करो जो आपको चाहिए। ठीक है गाइज, वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गाइज, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।